एक और मेथड है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ये होता है हनीकॉम पैड, या इसको ग्रास पैड भी इसके बदले में यूज़ किया जा सकता है। ये नॉर्मली जो हमारे घरों में हम कूलिंग डिवाइस जैसे कूलर इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हद तक वैसा ही टेक्नोलॉजी है। इसको हनीकॉम इसलिए कहते हैं क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते जैसा इसका अंदर स्ट्रक्चर रहता है, जो कि पानी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखता है और अच्छे से उसको रोटेट करवाता है। बेसिकली डिज़ाइन इसका ये होता है कि ये जो पैड्स हैं इसको आप सिंपल इंस्टॉल कीजिएगा। नीचे एक आपको पानी का लाइन बनाना पड़ता है, जहाँ से कंटिन्यूसली जो मोटर का जो पंप होता है वो पानी को यहाँ से रोटेट करता रहता है। जब पानी इसमें से गिरता रहता है और यहाँ पे क्या करता है कि बाहर क्या होता है, सूखा, गर्मियों में क्या नॉर्मली होता है, सूखा गर्म हवा चलता रहता है जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, जिस वजह से हमारे मशरूम के पिनहेड्स तक सूखने लग जाते हैं, मशरूम के बैग के माइसिलियम मरने लग जाते हैं। ये उसी हवा को इसके अंदर से फ्लो करवाता है। जो गर्म हवा जैसे इन पैड्स में टकराएगा, इस पैड का काम ही है कि ठंडे पानी के साथ उसको पूरी तरह से एकदम हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पे इंस्टेंटली वो कूल एयर जो है ब्लो करता है। तो पंखे के माध्यम से, जैसे कि ये मॉडल आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये वार्म एयर को इसने सक किया और उसको ठंडे पानी के साथ उसमें मिलते ही वो एवेपोरेट हो गया और ठंडा जो है उसमें टेम्परेचर ठंडा वाला एकदम एक भाप टाइप का निकलता है, जो कि कूल एकदम फुल ऑफ मॉइस्चर्ड एयर होता है, जिसको हम पंप के सहारे जो कि हम फैन के थ्रू आगे की तरफ भेज देते हैं। तो ये पूरे फार्म में रोटेट होने लग जाता है, जो कि दो चीज़ें करेगा, एक तो वह कूल करेगा, साथ में जो एयर है उसकी मॉइस्चर बढ़ा देगा, सिंपली आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, जिससे आपका एक साथ दोनों काम हो गया, तो आपको अलग से ह्यूमिडिफायर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। और बहुत कारगर है। इसकी खासियत यह है कि जितना इसके करीब रहेगा जो भी मशरूम के बैग्स, उसमें ज़्यादा ठंडी रहेगी, जैसे जैसे इसकी हवा जो है दूरी बढ़ती रहेगी वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं रहेगा, गर्म रहेगा। तो आपको इसका ओरिएंटेशन समझना पड़ेगा, या तो आप इसको चारों तरफ से लगाइए या रैक रो वाइज लगाइए, तो ओरिएंटेशन इम्पॉर्टेंट है। बट ओवरऑल ओइस्टर मशरूम करिए या जो भी मॉडरेट स्पीसीज मशरूम्स है, जो कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस इस तरह के जो एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, उसके लिए तो ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से उतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। एवोपरेट कूलिंग मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो मूवेबल पैड्स होते हैं, जो हनीकॉम पैड्स हैं, ये मूवेबल भी होते हैं, इसके साथ तो आप ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं, ये मैक्सिमम पोल्ट्री इंडस्ट्री, जिसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में क्या होता है, जब मुर्गियों की खेती होती है उसमें अगर गर्मी के दिन में ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मुर्गियाँ मर जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं रात को तो टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, पर दिन में गर्मी रहती है और अचानक से गर्मी भी बढ़ जाती है, तो इसको माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस ये मूवेबल होता है, जो कि आप अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं, इसका दिशा बदल सकते हैं, जिस वजह से जो है इसका जैसे दूरी जाता रहता है इसका, जैसे हवा इसका ठंडा कम होने लग जाता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है इससे बच सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल लगाते हैं और ये अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है कि कौन सा पैड ऑन करना है, किस एरिया में ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, उस हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।